Hey guys, welcome back to the Dynamite Mail. My name is Sahil Kera और start करते हैं हमारी amazing video के साथ. Guys, ये वाली जो मेरी video थी बहुत ही ज़्यादा requested topic थी. मेरे को समझ के अंदर comments पे comments इस चीज़ के related आ गए कि भाई formal outfits पे video बनाओ. And guys, आपकी बात मैंने सुन ली और मैंने amazing कुछ ऐसे outfits पे करें. तो अभी क्या हो रहा है, office बिल्कुल खुल चुके हैं and everybody is like कि हमें office जाना है, work from home खत्म होने वाला है and अब बारी आती है हमारी socializing करने की, because अब हम offices में enter करेंगे with our amazing outfits and you need to make sure कि आप अच्छे लोग हो. मेरे को पता है इस कोविड के टाइम पे सबके सब ना दबा के पराठे वराठे सब पेले हैं, सब मोटे हो गए, लेकिन फॉर्मल आउटफिट्स में वो कहीं ना कहीं मोटापा दिख सकता है. तो उसके लिए पहले तो मेहनत करना चालू कर दो, उसके साथ में आप ऐसे आउटफिट्स कुछ ऐड कर सकते हो जिससे कि आप बहुत ज्यादा स्लिम, बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत अट्रैक्टिव लगो. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आज की वीडियो के अंदर हम ऐसे 5 फॉर्मल आउटफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपके पास होने ही चाहिए, आप बहुत अच्छे लगे हो. एंड उससे 3 रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि आप वो गेम फॉर्मल की रॉक कर दोगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. कमिंग ऑन दी फॉर्मल आउटफिट नंबर 1. अब गाइस ये ना थोड़ा सा फॉर्मल कम सेमी फॉर्मल है, बट डेफिनेटली आप इसको अपने ऑफिस वगैरह में जरूर पहन सकते हो. तो यहां पे हमने जो ऐड करी है दैट इज दी पोलो टी शर्ट इन सिंपल प्लेन ब्लैक. यहां पे कुछ भी आपको ग्राफिक्स वगैरह वाली नहीं पहननी या कोई ज्यादा बड़े बड़े लोगोस नहीं पहनने, सिंपल एंड वेरी मिनिमलिस्टिक सिंपल पोलो टी शर्ट जैसे मैंने यहां पे ब्लैक वाली पहनी हुई है. एंड साथ में हम यहां पे ऐड करेंगे ग्रे पैंट्स. एंड गाइज ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच करता है. एंड जब बात आती है हमारी एक्सरसाइजिंग करने की, हम यहाँ पे रिंग ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक चेन वॉच ऐड कर सकते हैं. अगर आप चेन वॉच ना चाहो तो आप क्लासिक या एक डिजिटल वॉच भी पहन सकते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अपस्केल करती है आपकी पूरी लुक को. एंड व्हेन इट कम्स टू योर फुटवेयर तो यहाँ पे हम टैसल लोफर्स पहन सकते हैं या डिफरेंट ब्रोक शूज भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. बट टैसल जो है वो एक सेमी फॉर्मल लुक देती है, तो जरूर इस चीज को आप ऐड करें. कमिंग ऑन दी फॉर्मल आउटफिट नंबर 2. अब गाइस अगेन ये एक फॉर्मल आउटफिट तो है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल आउटफिट बन जाता है व्हेन यू ऐड अ ब्लेजर ओवर इट. मेरे को पता आप यही चीज बोलोगे कि ब्लेजर्स वगैरह में बहुत गर्मी लगती है, बट भाई जब लुक की बात आती है ना, ऑफिस में जनरली एसी वगैरह चल रहे हैं तो इतना नहीं पता लगता, बट जब लुक की बात करें यहाँ पे मैंने ऐड करी है सिंपल क्रिस्पी कॉलर्ड व्हाइट शर्ट. एंड साथ में यहाँ पे मैंने ऐड करी है ब्लू चीनोस. एंड यहाँ पे जो मैंने ब्लेजर ऐड किया दैट इज इन दी टेक्सचर्ड फॉर्म, जो ग्रे चेक्स के अंदर है, स्मॉल चेक्स है जो बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू अगेन द फुटवेयर, यहाँ पे मैंने वही ब्लैक टैसल लोफर्स पहने हैं जो कि पूरी लुक अमेजिंग बना रहे. गाइस ऐसी लुक्स ना मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जब सामने से देखो ना भाई एक एक बंदा आपको देखता है अगर आप उसको सही तरीके से कैरी करते हो. एंड गाइज एक्सरसाइजिंग में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, यहाँ पे हमने वॉच जरूर ऐड करनी है. कोई भी वॉच पहनो, चाहे वो क्लासिक वॉच हो चाहे वो डिजिटल वॉच हो, बट हाँ भाई स्पोर्ट्स वॉच वो जी शॉक वाली बिल्कुल मत पहनना, बिकॉज इट लुक्स वेरी बैड. वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करना. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है एंड प्रोफेशनल लगता है. एंड जब आप इस आउटफिट को पहनते हो एक एक बंदा मुड़ के देखता है एंड आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो. गाइज कमिंग ऑन द फॉर्मल आउटफिट नंबर 3. अब गाइज आपको जैसे बताया था कि ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रेज में ना आप व्हाइट भी ऐड कर सकते हो. तो व्हेन इट कम्स टू द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मल आउटफिट, यहाँ पे एक सिंपल क्रिस्पी बिल्कुल आयरन वाली ब्लैक शर्ट एंड साथ में हम उसको मैच करेंगे विद द ग्रे फॉर्मल पैंट एंड इट लुक्स अमेजिंग. यहाँ पे आप ब्रोक शूज पहन सकते हो इन एनी फॉर्म. अगर आपको कलर चेंज करने हैं इन फॉर्म एक्सेसरीज, जैसे बेल्ट हो गई या आपके फुटवेयर हो गए, उसका कलर आप सिमिलर रख सकते हो, जैसे हल्का सा ब्राउनिश कलर आता है आपकी बेल्ट आती है. अदरवाइज आप ब्लैक भी पहनो तो वो भी अच्छे लगते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ पार्ट आप ब्राउन पहन रहे हो कुछ पार्ट ब्लैक पहन रहे हो, वो चीज नहीं सही लगती, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है. कमिंग ऑन टू द फॉर्मल आउटफिट नंबर 4. अब गाइस यहां पे हमने वही सेम शर्ट पहनी है ब्लैक वाली, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट टच देने के लिए, एक मिनिमलिस्टिक टच था जो हमने पहले बात करी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए हमने जो पैंट्स ऐड करी है दैट इज इन द डिफरेंट कलर एंड द शेड एंड द टेक्सचर. अब गाइस ध्यान से नोटिस करो, वही सेम ब्लैक शर्ट मैंने पहनी है बिल्कुल क्रिस्पी, बट पैंट्स जो मैंने ऐड करी है उसका पहली बात तो वो लाइट ब्राउन कलर के अंदर, बेज कलर के अंदर एंड इट हैज चेक्स ओवर इट. ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है फैशन, लेकिन मैं बता रहा हूँ इट लुक्स अमेजिंग, जब सामने से आप देखते हो ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है एंड जो कलर है कॉम्बिनेशन ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट टच देने के लिए एक ब्राउन बेल्ट ऐड करी है, जो मेरी स्ट्रैप है क्लासिक वॉच का उसका भी हल्का सा लाइट ब्राउन शेड है, और जो मैंने फुटवेयर पहने दैट इज इन दी डर्बी शूज जो कि अगेन सेम कलर के हैं, तो पूरा आउटफिट एकदम मैच हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइट बेस्ड टच जो चेक्स फॉर्म के अंदर मैंने पैंट पहनी है, पूरा आउटफिट बहुत ही अमेजिंग लगता है. तो ऐसी ऐसी चीजें आप ट्राई कर सकते हो अपने फॉर्मल आउटफिट के साथ एंड डेफिनेटली यू आर गोना लुक अमेजिंग इन दैट आउटफिट. कमिंग टू द आउटफिट नंबर 5. अब गाइस
फॉर्मल नहीं, ये एक सेमाई फॉर्मल आउटफिट है। एंड यहाँ पे हमने जो शर्ट ऐड करी है थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें लेके हैं। लास्ट टाइम हमने टेक्सचर और प्रिंट दिया था अपनी पैंट के अंदर, एंड इस बारी हम अपने शर्ट के अंदर डालने वाले हैं। तो एक सटल और मिनिमल ना पहनते हुए हम यहाँ पे एक थोड़ी सटल फॉर्म के अंदर ही पॉलका डॉट्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो शर्ट हैज पॉलका डॉट्स इन इट, एंड जो ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है विद पॉलका डॉट्स लुक्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे हमने एक फॉर्मल पैंट नहीं पहनते हुए हमने यहाँ पर एक जीन्स ऐड करी है, बट हाँ रेगुलर फिट, नॉट वो फटी हुई नहीं पहन सकते, ना ज़्यादा स्लिम पहन सकते, एकदम रेगुलर फिट वाली जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। स्लिम फिट आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट्स गोना लुक अमेजिंग। एंड यहाँ पे अगेन हम बिना सॉक्स पहने, मतलब सॉक्स पहनो लेकिन नो शो सॉक्स पहनो, एंड साथ में मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं टैसल लोफर्स जो कि एक कंप्लीट सेमी फॉर्मल लुक आपको देता है, एंड यू आर गोना लुक अमेजिंग विद दिस। एंड जिसका कलर कॉम्बिनेशन है आप देखो, जो ऊपर पहना दैट इज इन लाइट ब्लू, एंड जो मेरी जीन्स का कलर है दैट इज इन द डार्क ब्लू, तो बहुत अच्छे से एक बैलेंस मेंटेन होता है। तो गाइस ये थे हमारे ऐसे पांच फॉर्मल आउटफिट्स और सेमी फॉर्मल आउटफिट्स जिसके अंदर मैंने मिक्स करे हैं, डेफिनेटली आप इसी को ट्राई करो। बट गाइस अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे तीन रूल्स के बारे में, आपके फॉर्मल रूल्स के बारे में, जो आप जब इस चीज को ट्राई करोगे ना आपकी जो लुक है वो बाकी एवरेज पीपल से ज्यादा बेटर आएगी, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट अबाउट इट। सबसे पहली चीज मैंने जैसे एक्सरसाइजिंग की बात करी थी कि नॉर्मल ब्लैक तो सब लोग पहनते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है ना एक्सेसरीज की इन डिफरेंट फॉर्म, जैसे आपका कोई नॉर्मल आउटफिट है जैसे ब्लैक और ग्रे के अंदर है, एंड आप सिंपली ब्लैक बेल्ट ना पहनते हो, यहाँ पे आप टैन बेल्ट पहनते हो, साथ में आपके जो स्ट्रैप है उसमें भी ब्राउनिश आप पहनते हो, या आपके फुटवेयर है जो डर्बी शूज है वहां पर भी आप टैन पहन रहे हो, तो एक प्रॉपर बैलेंस बनाता है एंड आपकी पूरी लुक को ना वो एक डिफरेंट लुक देता है, जिससे कि आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो इन योर फॉर्मल आउटफिट। एंड यहाँ पे जो कलर्स है ना क्लासिक कॉम्बिनेशन जो कंट्रास्ट में लोग पहनते हैं, जैसे मरून और बेज का आपने देखा होगा, व्हाइट एंड ग्रे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी, बिकॉज देयर इज समथिंग जिसका आप स्क्रीनशॉट लोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच विद योर आउटफिट्स। कमिंग ऑन टू द पॉइंट नंबर टू इज द कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। गाइस क्या होता है कि बहुत सारे ओल्ड वो ऐसे क्लासिक्स हैं जो पुराने हो चुके, लेकिन आज के टाइम भी अगर आप उसको पहनो आप बहुत अच्छे लगने वाले, बिकॉज वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर एकदम बढ़िया आउटफिट आपको दे सकता है, कलर्स बहुत अच्छे से मैच होते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि मरून और बेज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, या ब्राउन और बेज का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, या व्हाइट ग्रे या ब्लैक ग्रे का कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक मिक्स एंड मैच आप जरूर कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक फोटो डाल रहा हूँ, इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना, बिकॉज ये सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन जब आप पहनोगे आपको फॉर्मल्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू आर अ प्रो इन फॉर्मल। रूल नंबर थ्री गाइस, पहली बात फिट फॉर्मल्स का बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप खुले खुले कपड़े नहीं पहन सकते, इट शुड बी परफेक्टली टेलर्ड, आप पे बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अगर हल्की सी भी ज्यादा खुली होगी या टक सही तरीके से नहीं होगी इट विल लुक बैड। मेक श्योर कि आप जो भी शर्ट पहनो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली फिट होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टच आपका फॉर्मल आउटफिट है, जब आपकी कस्टमर इंटरेक्शन वगैरह हो कुछ भी हो तो आप नॉर्मल उसको सही तरीके से पहनो, लेकिन अगर आपकी कोई कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है या ऑपरेशन के अंदर हो या अपनी नॉर्मल जॉब के अंदर हो और थोड़ा सा आप कैजुअल साइड दिखा सकते हो, Always and always give a fold on your sleeves, क्योंकि वो बेस्ट चीज लगती है आपके आउटफिट के बारे में, एंड लड़कियों को भी बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड पता नहीं क्या ऐसी चीज है बट वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो ये है हमारे तीन रूल्स और टोटल हमारे पांच आउटफिट्स और तीन रूल्स जो आपकी फॉर्मल की गेम को यहां से यहां लेके आ जाएगी, एंड यू विल बिकम अ प्रो इन दिस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई एम श्योर वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और पसंद आई हो। अगर सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और हमारा चैनल द डायनामाइट मेल को भी सब्सक्राइब करना है, बी द पार्ट ऑफ अ डायनामाइट फैमिली। ऑल्सो गाइस इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट्स डाल रहा हूँ, मैं अभी घूमने फिरने जा रहा हूँ तो आप मेरे को फॉलो जरूर कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे को बिल्कुल रेगुलरली अपडेट्स मेरे देख सकते हो, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज द डायनामाइट मेल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना ध्यान रखो, अपने बड़ों का भी ध्यान रखो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।